ये राघव क्या पहने हो? एक ओपन हो रहा है, एक ओपन हो चुका खा रहा है क्या? गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। ये राघव क्या पहने हो? राघव यहाँ पर कोलकाता में जो है बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, जिसकी वजह से स्कूल बंद हो गए हैं, क्लासेस ऑनलाइन स्टार्ट हो गई है, तो सिद्धि यहाँ पर ऑनलाइन क्लास ले रही है। आज हम लोगों ने जो है बारबेक्यू नेशन से दो थाली ऑर्डर की थी, एक ओपन हो रहा है, एक ओपन हो चुका है। ये है बिरयानी, शाही पनीर है, दाल मखनी है, गुलाब जामुन, पनीर फ्राई है और ये कटलेट है। ये राघव टंग बाहर आ गई है। तो आज मैंने जो है अमेजोन से पार्सल मंगाया हुआ था, आइए ओपन करते हैं, देखते हैं इसमें क्या है। सुबह सुबह ही आ गया, बस बेड से उठे ही थे कि उसी के थोड़ी देर बाद ब्रश वगैरह किए, तब तक मैं डोरबेल बजी तो पता चला कि पार्सल आ गया, तो मॉर्निंग में ही उसे ओपन कर रहे हैं। और इतना ज़्यादा पैकेट हल्का है कि थोड़ा सा डाउट हो रहा है कि आखिर इसके अंदर है क्या। तो चलिए हाथ डालते हैं, निकालते हैं। ये क्या निकला? अच्छा, ये मैंने जो है ना प्राइमर मंगाया हुआ था, इनसाइट का प्राइमर। इसकी रेटिंग वगैरह मैंने अमेज़ॉन पे देखी, काफ़ी अच्छी थी, तो ये मुझको 215 या कुछ ऐसे ही पड़ा। और इसका मार्केट प्राइस जो है वो जो है 400 समथिंग है। तो आइए अब अपना नेक्स्ट पार्सल देखते हैं। एक्सपायरी वगैरह इसकी जो है, हाँ, 2026 का है। अब नेक्स्ट पार्सल ओपन करते हैं, देखते हैं। ये तो और भी ज़्यादा हल्का है, समझ में नहीं आ रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं खाली इनवेलप आ गया है। तो ओपन करके इसको देखते हैं क्या निकलेगा, क्या निकलेगा इसमें, कौन सा खजाना निकलेगा। ओपन हो गया और इसमें से निकलता है ये मैंने मेबलिन का जो है फिटमी का फाउंडेशन मंगाया हुआ था, 220 है ये, फिटमी 220। इसका मार्केट प्राइस जो है वो 350 है। ये एक्चुअली 18 ml का है, हाँ, बट ये मुझे जो है 200 के अराउंड में मिला है। और मैंने छोटा छोटा इसलिए मंगाया था क्योंकि मुझे ये प्रोडक्ट जो है चेक करके देखना था कि इसका रिज़ल्ट कैसा आता है, इसीलिए मैंने छोटा छोटा मंगाया, क्या छोटे छोटे से पता चलेगा। और ये मेरा तीसरा पार्सल आ गया, ये थोड़ा सा रुक कर आया था करीब आधे एक घंटे के बाद। इसकी पैकिंग दूसरी तरीके से है, इसे ओपन करके देखते हैं इसमें क्या है। अच्छा, इसको कैसे यूज़ करना है इसका वीडियो मैं नेक्स्ट वीडियो में डाल दूँगी। ओपन हो गया, पैकिंग इसकी अच्छी है, कम से कम नुकसान ना हो सामान का। ये मैंने जो है कंसीलर मंगाया था, ये भी स्विस ब्यूटी का है, ये कंसीलर है, ये मुझे 194 में मिला और इसका मार्केट प्राइस जो है वो भी 300 के समथिंग है। हुआ कि चलो मैगी खाते हैं, मैगी के साथ जो है ड्रिंक जो बनाने वाली थी मैं रसना। अच्छा, हम लोग के टाइम में रसना उसी तरीके से आता था, लिक्विड वाला एक शीशी में रहता था। और मैंने जो है दाल रखी हुई थी तो दाल में सीटी आ गई, हाँ, तो और साथ में एक पाउच रहता था जिससे लिक्विड को और पाउडर को दोनों मिक्स करके फिर ड्रिंक करता था। अभी थोड़ा चेंज हो गया है, जो कुछ है बस इस पाउच में ही है। तो मैंने ये लिया था, 2-2 रुपए के पाउच हैं, एक पाउच जो है 1 ग्लास 180 ml के लिए इनफ है। तो
यहाँ पर मैंने मैगी की भी छोटी छोटी ही पैकेट ली हुई थी जो है, क्योंकि बच्चों का जब मन करता है ना तो एक खोलो एक बना के दे लो, वो बेटर रहता है। बड़ा पैक लो फिर ओपन करना, मुझे ये ज़्यादा बेटर लगा। तो मुझे यही बेटर लगा इसलिए मैं यही ले रही थी। तो यहाँ पर मैं मैगी बना रही थी और साथ में रसना, सोचा आज कुछ अलग सा खाते हैं। यहाँ पर हमें अब रसना बनाने के लिए कुछ भी नहीं करना, इसमें कोई शुगर भी नहीं ऐड करना, वरना पहले हम लोग को पानी चीनी ये सब करना पड़ता था। इसमें नो एडेड शुगर है, तो अगर आपको बहुत ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप कर सकते हैं, बट इसमें करने की कोई मुझे नहीं लगता कोई रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पर मैंने पूरा पैकेट को ग्लास में डाला, फिर यहाँ पर मैंने लिया 180 ml, थोड़ा सा ज़्यादा ही हो गया बट ठीक है। इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे, फिर टेस्ट करके देखेंगे कि ऑल इज़ ओके। अगर ऑल इज़ ओके रहता है तो फिर हम ले चलते हैं पीने के लिए, अदरवाइज कुछ तो इसमें करना पड़ेगा। तो हम टेस्ट करते हैं क्या है। यस, ऑल इज़ ओके। इधर हमारी मैगी हो रही है, मैगी बहुत ज़्यादा कुछ करके नहीं बनाया, बस प्लेन ही बनाया है। लिए आधा निकाल, जिसमें से मैंने रागों वाले में छोटे से ग्लास में आधा निकाला, तो इसका जो है टेस्ट थोड़ा सा फीका पड़ गया, इसे थोड़ा सा इसमें ये ऐड करेंगे हम। अगर आपको बहुत ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप इसमें शुगर ऐड करिए, अदरवाइज इसमें पर्याप्त मात्रा में शुगर है। मैंने तो टेस्ट किया, मुझे तो रिक्वायरमेंट नहीं लगी शुगर की, और जो पहले आता था उसमें हम लोग को शुगर ऐड करना पड़ता था। इधर हमारी मैगी हो चुकी है, गैस को मैंने ऑफ किया और अब चलते हैं। उधर सिद्धि की ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, बच्ची कोलकाता में बहुत ज़्यादा गर्मी है इसलिए स्कूल बंद हो गए हैं, क्लासेस ऑनलाइन शुरू हो गई हैं। राघव ये कौन पिएगा? तो यहाँ पर हम लोग का ब्रेकफास्ट बन करके रेडी है। एक्चुअली अभी हम लोगों ने ट्रे नहीं लिया है, धीमे धीमे कर करके थोड़ा थोड़ा सामान ले रहे हैं, कई चीज़ें लेना बाकी रह गई। ट्रे सोचते हैं कि या तो ऑनलाइन ले लें या तो स्टोर पे जाके ले लें, बट जो है रही जा रहा है जा। अभी उस दिन गए थे मार्केट तो ट्रे लेना भूल गए। देखिए ऑनलाइन क्लास में क्या होता है, बच्चे कैसे पढ़ाई करते हैं। मैम यहाँ पर पढ़ा रही हैं, इन्होंने अपने वीडियो को ऑफ कर दिया है और लेटी हुई है। कैसे पढ़ते पढ़ते तुम्हारा पेट दर्द होने लगा? ओके फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट ब्लॉग में। और अगर आपने चैनल फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ओके बाय बाय, टेक केयर।